सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार फैद हुसैन ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि किसी और को इक्तदार दे देता हूँ, इसका मतलब है कि अब प्रेशर आ गया है। सीनियर सहाफ़ी फैद हुसैन का कहना था कि आज जो कुछ भी पार्लियामेंट इजलास में हुआ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो रद्द अमल पेश आया, इसका मतलब है कि प्रेशर आ गया है और वो भी अच्छा खासा। सीनियर तजियाकार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि पार्लियामेंट इजलास के अंदर जो कुछ भी हुआ वो खबर निकल गई, किसी ने तो अंदर से ख़बर लीक की, ये जानते हुए भी कि खबर लीक की गई कि जब ये खबर आएगी तो ऐवान में एक बार तहलका मचा देगी। फैद हुसैन ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ में लोगों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है जो सिर्फ लूज़ बाल खेलते हैं, जबकि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब कभी लूज़ बाल नहीं खेलते। इन्हें इस बात का पहले से ही इल्म था कि उनकी इस बात के नतीजे में अगर ऐसा कोई रद्द अमल सामने आया तो इस पर खबर ज़रूर की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रद्द अमल वाले वीडियो पैगाम में भी परवेज़ खटक साहब ने किसी बात की खुलकर तरदीद नहीं की। पीटीआई में तकरीबन तमाम मेंबरान एक दूसरे से लड़ते आए हैं, आगाज़ से ही एक शख्स जो लीडर है इस पर कभी उंगली नहीं उठी थी, लेकिन आज के वाक़े में वो भी हो गया। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंट पार्टी में इजलास में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। कौमी असम्बली में मनी बजट इन दिनों ज़ेर बहस है।